नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुप निगम है। मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। आज का टॉपिक है असफलता, जिसको हम इंग्लिश में फेलियर कहते हैं। बॉम्बे के अंदर एक साइंटिस्ट रहता था जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर काम कर रहा था। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए उसने अपनी स्टडी को मछलियों की तरफ डाइवर्ट किया। उसने एक बहुत बड़ा वाटर टैंक लिया और उस वाटर टैंक के अंदर एक बहुत बड़ी मछली और कुछ छोटी छोटी मछलियां डाल दी। जैसे ही उस बड़ी मछली ने उन छोटी मछलियों को देखा तो वो उनकी तरफ दौड़ी और उनको सबको खा लिया। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो वो बड़ा सा वाटर टैंक था उसके बिल्कुल बीचम बीच में एक बड़ा सा क्लियर फाइबर ग्लास लगा दिया जो कि ट्रांसपेरेंट था। अब उसने उस पार्टीशन के एक तरफ बड़ी मछली को रखा और दूसरी तरफ छोटी छोटी मछलियों को डाल दिया। जैसे ही बड़ी मछली ने फिर से उन छोटी मछलियों को देखा, वो उनकी तरफ दौड़ी उनको खाने के लिए, लेकिन क्योंकि बीच में पार्टीशन ग्लास लगा हुआ था इसलिए वो जाके उससे टकराई और वापस आ गई। वो ये कोशिश लगातार करती रही, मिनट सेकंड्स मिनट में बदलते गए, मिनट घंटों में बदलते गए और घंटे दिनों में बदलते गए। वो लगातार कोशिश करती गई, लेकिन धीरे धीरे साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि उसकी जो प्रयत्न थे, उसकी जो एफर्ट्स थी, वो धीरे धीरे कम होती चली गई। और जब उसने कई हफ्ते निकल गए तो उसने ये महसूस किया कि अब मछली जो है वो देख रही है, साफ 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 देख पा रही थी कि सामने छोटी मछलियां हैं, लेकिन वो उनको खाने के लिए उनकी तरफ दौड़ी नहीं रही थी। तो उसके बाद उस साइंटिस्ट ने थोड़े दिनों बाद क्या किया कि उस जो पार्टीशन ग्लास था, वो जो ग्लास उसने उस वाटर टैंक के बीच में लगाया था, उसने उस ग्लास को हटा लिया। बावजूद इसके कि अब बीच में कोई ग्लास नहीं था, फिर भी उसने नोटिस करा कि जो बड़ी मछली थी वो उन मछलियों की तरफ बढ़ी नहीं रही थी और वो मछलियां आजादी के साथ उस वाटर टैंक के अंदर घूम रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जब हम कोई काम करते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं तो हम निराशाजनक हो जाते हैं, और खासकर कि अगर हम एक ही काम को बार बार करें और उसमें बार बार हमें असफलता हासिल होती है तो हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अब हम इस काम को नहीं कर सकते, और हमारा दिमाग इस चीज को रजिस्टर कर लेता है। और जब भी हम उस काम को किसी भी मोमेंट पे, किसी भी क्षण में जब करने की कोशिश करते हैं तो हमारा माइंड कहता है कि तुम इसको नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों, अगर असफलता हमें किसी भी कार्य में मिलती है तो हमें कभी भी अपने माइंड को ये मैसेज नहीं देना चाहिए कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, बल्कि ये बोलना चाहिए कि मैं इस काम को कर सकता हूं, लेकिन अभी कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसकी वजह से मैं इसको नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं इस काम को कर सकता हूं। दोस्तों, हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव विचार देने चाहिए, अपने बारे में पॉजिटिव सोचना चाहिए, और हमेशा उस टास्क को जो भी तुम्हारे सामने हो उसको करने की कोशिश करते रहने चाहिए। हमेशा याद रखिए कि हमारी जो असफलता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और अगर हम उस कारण को बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी क्या कमी है और हम उस काम को कैसे अंजाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।